नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा की अमरोनगर में थाना बिलासपुर क्षेत्र के माइनिंग जोन इलाके में अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी, इससे पूरा इलाका दहशत में आ गया। दरअसल इस और स्क्रीनिंग प्लॉट पर दो पक्षों में अचानक विवाद हो गया था, जिस पर दोनों ही पक्षों में फायरिंग हुई और इसमें तीन लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत नाजुक बनी हुई है और एक का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर के निजी अस्पताल में लाए गए इन दो युवकों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक हिसार स्क्रीनिंग प्लांट के मालिक दिनेश और उसके मुंशी नीरज पर जमीन के अवैध खुदाई का आरोप लगाते हुए हमला किया गया। आरोप है कि हमलावरों के पास हथियार और लोहे की रॉड थी और हमलावरों ने पहले स्क्रीनिंग प्लांट के मालिक दिनेश पर गोलियां चलाई और हमला कर उसकी टांगें तोड़ दी। इसके बाद मुंशी नीरज पर भी हमला कर दोनों को गंभीर जख्मी कर दिया गया। जिंदल अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर योगेश जिंदल ने बताया कि उनके पास दिनेश और नीरज दो लोग आए हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। उनकी हालत स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि दोनों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। हिसार स्टोन क्रेशर मालिकों पर हुई गोलीबारी की इस घटना को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं दो पक्षों में हुए झगड़े को लेकर पुलिस बयान दर्ज करके जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई बयान नहीं दिए हैं। पुलिस के बयान के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि गोलियां क्यों चली, किसने चलाई और इसमें कौन लोग आरोपी हैं। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। जी, अभी तो कुछ ऐसी खबर है कि शहर में कुछ आपस में कहासुनी हो गई और एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पे गोली चला दी। ये पेशेंट हमारे पास जो दो आए हैं, अभी एक दिनेश डैश है और एक दूसरा मरीज है। दोनों दिनेश की तो हालत काफ़ी सीरियस है, कुछ वहाँ पे जो हाँ फर्स्ट एड हुई है, कुछ पट्टियाँ वगैरह बंधी हुई हैं, जो कंप्रेशन बैंडेज है उसकी हालत को स्थिर करने में लगे हुए हैं। उसके बाद एक्सरे सीटी स्कैन टेस्ट वगैरह होंगे, तभी हम इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। फिलहाल मरीज गंभीर हालत में, लेकिन स्थिर है गंभीर हालत में, और जो दूसरा मरीज है उसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। एक की टेस्टिंग पूरी हो जाएगी तभी हम कुछ कह पाएंगे। फिलहाल आप दोनों मरीजों को सीरियस हालत मान के चलिए। ठीक है, थैंक यू। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।